नमस्कार, फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित या डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी उत्सर्ग, जिसको अपन पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अपन थे मंजुल, जो डॉक्टर शेखर की बेटी है, उसकी उसके और डॉक्टर शेखर के बीच में आपस में बातें हो रही है। अब क्या बातें हो रही है, कैसी बातें हो रही है, शुरुआत कहां से होती है? देखिए, डॉक्टर शेखर अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाते हैं। जैसे ही आवाज देने पर मंजुल आती है तो वो यूं पूछती है कि नहीं, शेखर पूछते हैं कि तुम क्या कर रही थी, तो वो यूं कहती है कि मैं मेरी सितार के तारों को ठीक कर रही थी। सितार एक वाद्य यंत्र होता है जिससे बहुत ही सुंदर धुन निकलती है। तो वो कहती है कि मैं सितार के तारों को ठीक कर रही थी, और वो शिकायत भी करती है अपने पिता से कि आप मेरी तरह मेरे सितार को भूल गए। तो डॉक्टर शेखर कहता है कि अच्छा, तेरी तरह मतलब तू और सितार दोनों एक जैसे हैं। तो मंजुल कहती है बिल्कुल, देखो मेरी आवाज में भी राग है, मेरी भी मधुर आवाज निकलती है और मेरी सितार की भी मधुर आवाज निकलती है। तो शेखर कहते हैं तो यदि मधुर आवाज सितार की तरह निकलती है तो सितार के तो तार टूट जाते हैं, तो यदि तार टूट गया तो? पिताजी ऐसे मत बोलिए, यदि तार टूट गया तो मेरी आवाज बंद हो जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरी आवाज ही बंद हो जाएगी, आवाज समाप्त हो जाएगी। अब डॉक्टर शेखर कहते हैं ये तो कविता भी करने लगी, यानी अपनी आवाज को सितार के साथ जोड़कर एक काव्य सा लिखने लग गई। फिर वो यूं कहते हैं कि अच्छा थोड़ा टाइम मिलने दो, फिर मैं तुम्हारी आवाज और तुम्हारे सितार की आवाज दोनों पे मैं एक शोध करूंगा, मैं खोज करूंगा, और खोज करके दोनों में जो कंपन होता है उसमें क्या समानता है वो देखूंगा, और उस समानता को स्थापित करने का प्रयास करूंगा। तो मंजुल कहती है कि पिताजी आप मुझे भी रेडियो मत बना देना, क्योंकि जब आवाज के कंपन को पकड़ करके और किसी सूत्र में पिरोया जाता है तो वो रेडियो बन जाता है। तो मंजुल कहती है पिताजी मुझे रेडियो मत बना देना। तब शेखर कहते हैं कि चल तू बहुत नटखट हो गई है, मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा। तो फिर मंजुल कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब बातें नहीं करूंगी, मैं आपको गंभीर होकर सुनूंगी। अच्छा आप बताइए आप कहीं जा रहे हैं? फिर इस प्रकार से बातें शुरू होती है। ठीक है, तो यहां पर मंजुल यूं कहती है कि आप कहीं जा रहे हैं? तो शेखर यूं कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न क्या था? कार्य का, तुम क्या कर रही थी, उस पर सितार की बात आती है और सितार पर वो छोटी सी बातें चलती है। उसके बाद यूं कहती है मंजुल, पहले पिता सवाल करते हैं, मंजुल कर रही है कि कहीं जा रहे हैं क्या? तो शेखर यूं कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूं। जैसे ही शेखर यूं कहते हैं कि मैं जा रहा हूं तो मंजुल कहती है मैं भी चलूंगी। तो शेखर यूं कहते हैं कि हाँ ठीक है चल, पर फिर कुछ सोचते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकती मेरे साथ। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम नहीं जा सकती क्यों? क्योंकि मैं स्टडी सर्किल जा रहा हूं। तो आपके स्टडी सर्किल में ऐसा क्या है जो मेरे जाने से बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा? मुझे क्यों नहीं लेकर जाना चाहते? तब फिर मंजुल जब इस प्रकार की शिकायत करती है तब शेखर यूं कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता, लेकिन मेरा ये जो एपराटस है ना, एपराटस क्या है, ये अपन शुरू की क्लास में ही देख चुके हैं। एक यंत्र है जो मरे हुए व्यक्ति की आत्माओं को एक आकार देता है
और उस आकार में आने के बाद डॉक्टर शेखर उन लोगों से बात करते हैं, एक रूप देता है, और जब आत्मा एक रूप ले लेती है तो शेखर आराम से उससे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये यंत्र है। तो शेखर इसकी ओर इशारा करते हैं कि ये मेरा एपराटस है ना, जिस जो मेरी बरसों की मेहनत है, मेरी तपस्या है ये, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसको अकेला छोड़ता ही नहीं हूं, तो तुम्ही इसका ध्यान रखना है, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना। तो वो यूं कहती है कि तू इसमें मेरे ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, यहां पर कौन चढ़ रहा है। तब डॉक्टर शेखर यूं कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पुस्सी है ना, ये उछल कूद बहुत करती है। जी हाँ, पुस्सी बिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि ये उछल कूद बहुत करती है, ये कहीं आकर एपराटस पर गिरे और मेरा एपराटस तोड़ दे, मेरे बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दे। तो मंजुल यूं कहती है कि आप मेरी पुस्सी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी पुस्सी ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, और मेरी पुस्सी स्वयं एक वैज्ञानिक है, आप इस पर इल्जाम लगा ही नहीं सकते, आप तो एक वैज्ञानिक होकर वैज्ञानिक पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं, मेरी पुस्सी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कैसे है, क्योंकि वो भी खोज करती रहती है। वो किस चीज की खोज करती है, वो दूध की खोज करती रहती है, वो दही की खोज करती रहती है, यानी वो तो दही और दूध जैसी पवित्र चीजों की खोज करती रहती है। तो आप उसको कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी पुस्सी उछल कूद करके तुम आपकी आपके एपराटस को तोड़ देगी। और आपको एक बात और भी बता देती हूँ, ये चीजें आपके इस एपराटस के पास तो मिलने वाली नहीं है, और जब मिलने वाली नहीं है तो ये मेरी पुस्सी यहां पर जाएगी नहीं, तो आपका एपराटस कैसे तोड़ेगी वो। तब फिर डॉक्टर शेखर कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा नटखट हो गई है, बहुत ज्यादा जवाब देने लगी है, चल मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा, तू इस प्रकार की बातें मेरे साथ कर रही है। तो फिर मंजुल सीरियस होती है, मंजुल गंभीर होती है, और वो यूं कहती है कि अच्छा चलो वो बात तो ठीक है, वो सब बातें ठीक है, पर मुझे आप ये तो बताइए, ये एपराटस है क्या, क्या ये? अरे ये एपराटस एक बहुत मूल्यवान खोज है, मेरी तपस्या है ये, इसी के माध्यम से मैं मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता हूं, मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता हूं, सॉरी मरे हुए लोगों की आत्मा से मैं बात करता हूं। मंजूर कहती मरे हुए लोगों की आत्माओं से आपको डर नहीं लगता? डर कैसा, मृत्यु तो जीवन का एक मोड़ है, मृत्यु तो एक जैसे, मतलब मैं मेरा ओवरकोट निकालता हूं, निकालकर छोड़ देता हूं, उसी प्रकार से आत्मा है वो ये शरीर रूपी कोट उतार कर छोड़ देती है, इसमें कौन सी डरने वाली बात है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, ये तो उसी प्रकार से है जैसे मान लो एक महिला है, वो सिर पर मटका उठाकर लाई है, पानी का भरा हुआ है, उसने लाकर उतार दिया, और जैसे ही उस महिला ने मटका सिर से उतारा, वो स्वच्छंद हो गई, वो स्वतंत्र हो गई, और साथ साथ वो खुश भी हुई, क्यों, क्योंकि उसका जो उसके सिर पे जो वजन था वो नीचे उतर गया, तो वो तो प्रसन्न है, तो वो प्रसन्न है, उसका काम पूरा हो गया। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने शरीर को, अपने बाहरी आवरण को छोड़कर इस महिला की तरफ प्रसन्न होता है, स्वच्छंद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो इसमें उन लोगों से डरने वाली कहां बात है, कौन सी बात है। मंजुल कहती है मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो मरे हुए लोगों से बहुत डर लगता है। अरे तुम्हें मरे हुए लोगों से डर लगता है, देखो इसी जगह मैंने बहुत से लोगों को बुलाया है, मरे हुए लोगों को, और मैंने उनसे बात भी की है। आपने बात की है, कैसे होंगे वो मुझे नहीं पता, मरे हुए लोग बहुत अजीब होंगे, शायद आंधी की तरह, शायद धुएं की तरह, शायद तूफान की तरह, पता नहीं कैसे होंगे, तो मुझे इनसे डर लगता है। तो डॉक्टर शेखर कहते हैं कि बिल्कुल सही, एक आत्मा जो होती है वो आंधी या धुएं की तरह ही होती है, धुएं की तरह होती है, परंतु ये जो मेरा ग्रंथ है ना,
सॉरी यंत्र, मेरा जो यंत्र है ना एप्रेटस, वो उस आंधी रूपी धुएं रूपी आत्मा को एक शरीर देता है, एक आकार देता है, और उस आकार को लेकर वो उसी प्रकार से बात करते हैं जिस प्रकार से मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूं, मैं तुमसे बात करता हूं। अच्छा, फिर तो मेरी गिनती भी अब मरे हुए लोगों में होने लगी। इसका मतलब आपके लिए अब मेरे जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रहा, अब तो मैं चाहे मर जाऊं। पगली, ऐसी बातें क्यों कर रही है तुम? ऐसी बातें नहीं बोलते, तुम्हारे बिना मेरा क्या जीवन है? मैं तो सिर्फ ये इस यंत्र की बात बता रहा हूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी आत्मा को बुलाते हैं, ये मेरा यंत्र एक रूप देता है, और फिर उसी प्रकार से अपन बात करते हैं जिस प्रकार से मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं। और बात करके बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के विचार पता चलते हैं, वो लोग कहाँ पे हैं, वो लोग कैसे हैं, उन सब चीजों के बारे में पता चलता है। अच्छा, सच में? मंजुल कहती है कि सच में। शेखर कहते हैं कि बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर तो मेरी उत्सुकता इस सब को जानने में बढ़ती जा रही है। हाँ, ये तो मैं मानता हूं, क्योंकि एप्रेटस काम ही ऐसा करता है, और मैंने एक बहुत बड़ी खोज की है। मैं अब दुनिया से मृत्यु का डर मिटा देना चाहता हूं, मैं दुनिया में एक नया परिवर्तन लाना चाहता हूं। मंजुल कहती है, अच्छा हुआ मैं 6 महीने के लिए गई, अगर मैं 6 महीने से अधिक जाती ना तो मेरे पिता ऐसा कुछ कर देते कि कोई मरता ही नहीं, किसी को मरने ही नहीं देते। तो फिर शेखर कहते हैं कि फिर तू मजाक पर उतर आए, फिर तू बहुत बड़ी शैतान हो गई है। तो फिर मंजुल कहती है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी उत्सुकता इसके संबंध में बढ़ रही है। लेकिन आप वो वहां जा रहे थे ना, अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे वहां जाना था, अभी मैं जा रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे, मैं यूं गया और यूं आ जाऊंगा। बस तुम इस एप्रेटस का ध्यान रखना। और इस प्रकार से शेखर एप्रेटस मंजुल को देकर और वहां से निकलने को होते हैं, और वहां से जाने के लिए होते हैं। जैसे ही शेखर वहां से जाने के लिए निकलने वाले होते हैं या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो मंजुल पीछे से आवाज लगाती है, पिताजी। शेखर वापस आते हैं और वापस आकर कहते हैं, हाँ हाँ क्या हुआ, कोई बात है? मंजुल कहती है, आपने सूट तो पहन रखा है पर मोजे नहीं पहने। मोजे जुराबे हो, सॉक्स हो, उनको मोजे कहा जाता है। और देखिए, शेखर एक वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक को अपना ध्यान नहीं रहता, उनका जीवन अस्त व्यस्त होता है। उन्होंने सूट पहन रखा है परंतु, और जूते भी डाल रखे हैं बिना मोजे के, तो बिना मोजे के जूते पहन रखा है। तो मंजुल ने कहा कि सूट डाल रखा है और सूट पर जूते डाल रखे हैं जो अजीब लगते हैं, तो मोजे भी पहनो। तो फिर थोड़ा सा सुकुचाते हैं, डॉक्टर शेखर है, वो थोड़ा सा सुकुचाते हैं, लज्जा से यूं कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लाओ मेरे मोजे दो। वो मोजे मांगते हैं, तो फिर मंजुल यूं कहती है, रखे कहाँ थे? अरे कहीं पड़े होंगे, कुर्सी पर, टेबल पर, कहीं भी। अपने घर में वार्डरोब या कबर्ड या कुछ भी नहीं है क्या? कोई खुंटी भी नहीं है क्या जो आप इस प्रकार से टेबल चेयर पर मोजे रख देते हो? अरे आगे से रख दूंगा, तो अब तुम दे दो। तो इस प्रकार से है। फिर वो मंजुल कुर्सी के गद्दे हटाकर, टेबल के कागज हटाकर, और उनके मोजे ढूंढने लगती है, मोजे मिलते नहीं है। शेखर एक बार सिर खुजलाते हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए, और फिर ध्यान लगाते हैं और फिर कमर पर हाथ रखते हैं। जैसे ही कमर पर हाथ रखते हैं, फिर कुछ महसूस होता है, और फिर यूं कहते हैं, अरे अरे ये रहे, यानी सूट की पॉकेट में, सूट की जेब में ही मोजे डाल रखे थे। तो मंजुल कहता है कि ये बहुत अच्छा है, आपने चलता फिरता वार्डरोब ले रखा है, अर्थात चलती फिरती एक अलमारी अपने पास है, ले रखी है, इसी में डाल लिया करो। पर एक बात पता है, एक बात आपको पता है क्या? वैज्ञानिक लोग है ना, होते ही ऐसे हैं। अब ये अपने पिता के साथ फिर से मजाक करती है। देखिए, मंजुल और शेखर का जो आपसी संवाद है ना, ये इस एकांकिंग में बड़ा रुचिकर है। हालांकि इसका अंत भी थोड़ा सा दुखांत होगा, परंतु ये जो संवाद है ना, ये सबसे ज्यादा रुचिकर है।
क्योंकि मंजुल है वो बार बार शैतानी भरी बातें अपने पिता से करती है। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक पता ऐसे ही होते हैं। एक वैज्ञानिक की बात बताती हूँ। एक वैज्ञानिक की कौन सी बात बताती है वो, यूं कहती है कि एक बार एक वैज्ञानिक मीटिंग लेने गया, और मीटिंग लेने गया तो उसने क्या किया पता है, नीचे तो कोट पहन लिया और उसके ऊपर शर्ट पहन के और वहां पे चला गया। वैज्ञानिक होते ही ऐसे, उनको अपना इस इतना ध्यान रहता है। जैसे ही मंजुल ये बात कहती है वैसे झट से डॉक्टर शेखर अपने कोट के बटन खोलकर चेक करते हैं, मैंने कहीं शर्ट ऊपर तो नहीं पहन लिया, और शेखर कहते हैं नहीं मैं तो ठीक हूं। तो मंजुल यूं कहती है कि नहीं पिताजी आपका सब ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, बस आप ऐसे करो कि ये मोजे मुझे दे दो, मैं आपको पहना दूं, नहीं तो आप हाथों में पहनकर चले जाओगे। फिर शेखर कहते हैं कि तू फिर से शैतानी भरी बातें कर रही है, तू मजाक कर रही है। तो फिर मंजुल यूं कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यू मजाक कर रही थी। डॉक्टर शेखर बैठते हैं, मोजे पहनने लगते हैं। मंजुल एक बात कहती है यहां पे, मंजुल यू कहती है कि पिताजी ध्यान से धीरे धीरे मोजे पहनो, क्योंकि जूतों की रगड़ से मोजे फट न जाए। अब यहां पर फिर शेखर गलती करते हैं, और शेखर क्या गलती करते हैं, जूते पहने हुए थे उनके ऊपर ही सॉक्स पहन रहे हैं। अब जूतों के ऊपर सॉक्स या मोजे वो कैसे पहने जाए। तो मंजुल फिर ये बात करती है, तो फिर शेखर है वो थोड़ा सा लज्जा जाते हैं, और फिर यूं कहते हैं कि मंजुल तू नहीं होती तो मेरा क्या होता, देखो मैं अपने आप को तो बिल्कुल भूल जाता हूँ, बिल्कुल होश ही नहीं रहता। तो इस प्रकार से इन पिता पुत्री के बीच में बहुत ही रुचिकर बातें होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी ये बातें। बने रहिए हमारे साथ, आगे फिर से पढ़ेंगे, एकांकी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।